मनीष कश्यप को मिली जमानत, समर्थकों में खुशी की लहर। अब सवाल उठता है कि क्या सना बिहार अपने पुराने तेवर में फिर से ललकारेगा, सत्ता से करेगा सवाल, उठाएगा जन समस्याओं को और करेगा आर पार अपने चिर परिचित स्टाइल में पुराने तेवर को धारण करेगा, या फिर मुकदमों के महाजाल में उलझकर रह जाएगा और सारा तेवर ठंडा पड़ जाएगा। दोस्तों, संभव है इतने दिनों तक कानूनी दाव पेच, तमिलनाडु से लेकर बिहार तक की जेल यात्रा करने वाले मनीष कश्यप ने समय के साथ जीना सीख लिया हो। महीनों महीनों तक जेल में कैदियों के साथ रहने, जेल के जीवन को देखने और उसमें जो जिस प्रकार की यातनाएं और प्रताड़ना झेलने को मिला होगा, उससे क्या मनीष ने सब कुछ से जो कुछ कर रहे थे उससे बाय कर दिया है, नया जीवन शुरुआत करेंगे। अब देखना है कि मनीष जब बाहर निकलते हैं तो उनका तेवर कैसा होता है। मनीष को यह पता हो गया होगा कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें किस तरह की सीमाओं तक बोलने की छूट देती है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। दो पंक्तियाँ, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, किंतु दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, किंतु दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। दोस्तों, मनीष कश्यप का साथ देने वाले पुराने लोग उनके साथ हो सकते हैं क्या? कुछ नए लोग भी उनके जेल जाने के बाद उनके प्रति संवेदित होंगे और वह लोग भी साथ देंगे क्या? खोई हुई ताकत फिर से प्राप्त कर बिहार में भ्रष्टाचार उन्मूलन और विकास की नई परिभाषा लिखने के लिए मनीष कश्यप पुनः कलम और दवात का प्रयोग करेंगे, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। पटना उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा फर्जी वीडियो वायरल करने, लोगों में भ्रामक स्थिति संप्रेषित करने को लेकर जहां दर्ज कराए गए अपराध पर जमानत दिया है। उच्च न्यायालय पटना के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पनवार की एकल पीठ ने मनीष कश्यप का पक्ष सुनने तथा मनीष के विरोध में सरकार का पक्ष जानने के बाद सम्यक विचारोपरांत किया और जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया कि मनीष तुम्हें जमानत दी जाती है, केस चलेगा। जमानत देने का निहितार्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि मामला खत्म हो गया, अभी तो जमानत है। अब जमानत के बाद सरकार क्या करेगी उसे भी हम बताने जा रहे हैं, और मनीष क्या करेंगे उस पर, और कोर्ट का क्या है आगे पीछे जो कानूनी पहलू है उस पर भी हम मोटी मोटी चर्चा करेंगे। क्या मनीष उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के बाद तत्काल बाहर आने वाले हैं, अथवा उन्हें कुछ दिन और समय लगेगा, या फिर जमानत निरस्त हो जाएगी? फिलहाल मनीष कश्यप बेऊर जेल में है। उच्च न्यायालय पटना से जमानत मिलने के बाद यह खबर बिहार सहित अन्य प्रदेशों में जंगल के आग की तरह फैल चुकी है। चूंकि बिहार सार्वभौमिक है, बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ोसी जिला है, पड़ोसी प्रदेश है, छोटा है यूपी से, लेकिन सार्वभौमिक इसलिए है कि कहीं भी आप जाएंगे, विश्व के कोने कोने में जाएंगे, बिहार के भाई बंधु आपको मिल जाएंगे। इसलिए बिहार पूरे देश में इसकी व्यापकता है और विश्व में भी यह अपनी पहचान बना करके रखे हुए हैं। मेहनत कश लोग हैं, इसलिए बिहार की मांग हर जगह है, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के बैंकिंग सेवा और फिर मजदूर से लेकर के और तमाम प्रकार के कौशल टेक्निकल तौर पर यह उच्चतम सोपान पर अपने आप को प्रतिष्ठापित किए हैं। इसलिए मनीष का मामला वैश्विक है। बताते चलें, 12 मार्च 2023 को एक व्यक्ति जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है और ट्रेन से यात्रा कर रहा है, इसका वीडियो मनीष कश्यप और मित्रों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। कहा गया था कि सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ और कूट रचना की गई थी, जिसे लेकर मनीष कश्यप के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अतिरिक्त आईटी एक्ट की धाराओं को जोड़ते हुए अपराध गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने जमानत कुछ शर्तों को जोड़ते हुए दिया है। मनीष कश्यप बुरे तब फंसे थे जब तमिलनाडु में बिहारी लोगों के खिलाफ उनके द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो बनाने और परोसने का आरोप लगा था। तमिलनाडु सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था और तमिलनाडु की पुलिस ने मनीष कश्यप द्वारा परोसे गए वीडियो को भ्रामक,
कूट रचित और लोगों को भड़काने वाली सामग्री बताकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। मनीष कश्यप तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाए गए NSA और अन्य दर्ज अपराधों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां तमिलनाडु सरकार ने अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई थी मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप ने अधिवक्ता के माध्यम से कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे अपराध हमारे ऊपर कारित नहीं होते हैं, हमें फंसाया गया है, हमने वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग किया है, हमारे द्वारा IPC CRPC और IT एक्ट इनका कोई अपराध नहीं बनता है। काफ़ी दिनों तक मनीष तमिलनाडु के जेल में रहे, किंतु बड़ी राहत मनीष को तब मिल गई जब अगस्त महीने में सुनवाई के दौरान पटना के सिविल कोर्ट ने मनीष के लिए एक बड़ी राहत दिया और आदेश किया कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में नहीं जाएंगे, यानी पटना के ही बिहार के ही किसी जेल में रखा जाए। किसी जेल का उन्होंने नाम नहीं लिया था। तब से मनीष बेऊर जेल में ही हैं। तमिलनाडु में मनीष के खिलाफ कुल आधा दर्जन मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है, यानी बेल मिल चुकी है, तो इसलिए कोर्ट ने उसका भी संज्ञान लिया सिविल कोर्ट ने, और फिर आदेश किया कि मनीष यहीं रहेंगे, यहीं से सुनवाई होगी। सिविल कोर्ट द्वारा किए गए आदेश के बाद मनीष पटना के बेऊर जेल में अभी तक हैं और वहीं से वह छूटेंगे भी। मनीष ने सीधे सीधे बिहार सरकार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था, उन्हें कम पढ़ा लिखा बताते हुए राजनीति में उनकी औकात बताने और सबक सिखाने की बात कई बार कहा था। मनीष के गृह जनपद बेतिया में लगभग आधा दर्जन मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिसमें भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी भी है, मारपीट करने का भी आरोप है, एक बैंक मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने जैसे मामले दर्ज हैं। पुलिस एक तरफ मनीष के घर की कुर्की करने जा रही थी, दूसरी तरफ स्थानीय थाने में मनीष सरेंडर करते हुए देखे गए। पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कई औपचारिकताएं पूरी होगी, फिर मनीष आएंगे जेल से बाहर, या फिर हो सकता है कि बिहार राज्य जाए मनीष के इस जमानत के खिलाफ उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर करे कि हुजूर मनीष जब बाहर आएगा तो यह छेड़छाड़ करेगा और ठीक से जांच पूरी नहीं होगी, इसका जेल से बाहर आना कदापि शुभ नहीं है, हो सकता है यह भी करें। मनीष के समर्थक जेल से निकलने के बाद भव्य स्वागत की तैयारी करने वाले हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार के विभिन्न जिलों में मनीष कश्यप का स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु और पटना में दर्ज किए गए मुकदमे में जमानत मिलने के बाद बिहार सरकार का अभियोजन इसे दे सकता है चुनौती। आगे क्या होगा, मनीष का तेवर बरकरार रहेगा अथवा तेवर में नरमी और ढिलाई होगी, या फिर मनीष टूट चुके होंगे, अब तो यह समय ही बताएगा। फिलहाल मनीष ने एक नई परिभाषा वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का लिखा था, तमाम युवा मनीष के वजह से प्रेरित हुए, मनीष उनके एक तरह से प्रेरणा स्रोत बनकर के काम किए, लेकिन मनीष को एक तरफा देखा गया कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हैं, उन्हीं की राजनीति करते हैं और विपक्ष के खिलाफ ही केवल इनका वीडियो होता है, केवल विपक्ष की कमियों को दिखाते हैं और सत्ता यानी केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी सदा सहायता है और इनका गुटुरगु चल रहा है। दोस्तों क्या होगा मनीष का, समय ही बताएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता की।